दिवाली का त्योहार सर पर है और देश दिवाली के जश्न में डूबा है, लेकिन लगता है पंजाब के कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा की दिवाली का जश्न तो जेल में ही बनेगा। असल में कपूरथला के भुलतत इलाके से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को सोमवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखपाल खेरा की जमानत मामले में फैसला अब 14 नवंबर तक टाल दिया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के मामले में फंसे सुखपाल खेरा को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। याचिका में उन्होंने झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई है और हाई कोर्ट से अपील की है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो उससे पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए। खेरा को बिना कोई राहत दिए हाई कोर्ट ने 14 नवंबर तक मामला स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, पिछली तारीख पर सरकारी वकील ने ये कहते हुए समय मांगा था कि महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज मिल चुके हैं। वहीं कोर्ट ने 6 नवंबर को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था। सुखपाल सिंह खेरा के करीबी जसमीत सिंह ने कहा कि एजी कोर्ट में पेश हुए ही नहीं, इसलिए कोर्ट की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करने को कहा गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा को जलालाबाद पुलिस ने 2015 के एक पुराने एनडीपीएस मामले में 28 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सुखपाल सिंह खेरा ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होकर राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर बड़े सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने सीएम भगवंत मान का विरोध किया है, इसलिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बता दें, सुखपाल सिंह खेरा ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 2 नवंबर और 6 नवंबर की तारीख तय की गई थी। लेकिन बीते दिन भी खेरा को राहत नहीं मिली और अब 14 नवंबर तक का खेरा को इंतजार करना होगा। आपको बताएं, अकाली भाजपा सरकार के समय जलालाबाद पुलिस थाने में साल 2015 में एफआईआर नंबर 35 दर्ज की गई थी। ये ड्रग तस्करी से जुड़ा मामला था। आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने बताया था कि मामले में मार्केट कमेटी ढिलवा के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गुरदेव सिंह और मनजीत सिंह खेरा के करीबी बताए गए। वो सुखपाल खेरा के चुनाव को भी मैनेज करते थे। साल 2017 में ईडी ने एक चार्जशीट पेश की। इसमें खेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई क्योंकि उनकी आय आमदनी से ज्यादा थी। इस मामले में जब अन्य लोगों को सजा हो गई तो सुखपाल खेरा सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल खेरा को राहत तो दे दी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा था कि पंजाब पुलिस इस मामले की दोबारा जाँच कर सकती है।